Hello everyone, this is a cumulating frequency distribution. Actually, in the last video, in the part 2 of this chapter, we have reached up to this question. Now, cumulating frequency distribution, frequency distribution. Cumulative, naam se hi pata chal raha hai ki kya hone wala. In cumulative frequency distribution, the cumulative frequencies are obtained by successively adding, isko yaad rakhna. Successively adding the frequencies in the distribution. By this way, we get less than cumulative distribution. If successively added the frequencies starting at the end of the distribution, we similarly get a more than cumulating distribution. यहाँ पे more than और आपका less than दोनों हो सकता है. क्या मतलब क्या होता है इसका? बड़ा आसान सा मतलब होता है. जैसे हम कहें कि हमारे क्लास में 50% आए 10 बच्चों के, 60 से 70% आए 15 बच्चों के, 70 से 80% 8 बच्चों के आए, और 80% 90% 2 बच्चों के आए. तो अब आप बोलिए कि लेस देन 60% कितने आए, तो लेस देन 50 वाले जो 40 से 50 के बीच में थे और जो 50 से 60 के बीच के थे उनके आप ऐड कर देंगे, तो लेस देन 60 हो गए. लेस देन 70 कितना है, सारे ऐड कर देंगे. या मोर देन 40 कितने के आए, या मोर देन 60 कितने के आए, तो आप समझ रहे हैं, तो ऐड करते जाएंगे. अभी अगले पेज पे हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. कहता नहीं द आंसर टू दिस मे बी ऑब्टेन्ड बाय अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूशन. वी नाउ गिव व्हाट टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इलस्ट्रेशन 3. वहां जाने से पहले मैं जरा इलस्ट्रेशन 3 को आपको दिखाता हूँ. That was illustration 3. ये क्या था? 55 students थे और उनके numbers हैं, sorry weights हैं. तो जो भी है, तो अब इसी को सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है. 55 बच्चों के weights थे. अब हम कहें कि साहब दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, less में भी और more में भी. कैसे? Class देखिए, हमने class बनाया. Class intervals जैसे होते थे, अब interval नहीं, यहाँ पर less than, कि less than 50, less than 60 के 50 किलो से कम के कितने बच्चे हैं, less than 60 वाले. अब लेस देन 60 वाले जो होंगे, उसमें 50 वाले तो सब शामिल होंगे ही होंगे, उसमें 60 वाले भी हो जाएंगे. आपसे क्या, आप लेस देन 70 वाले. तो देखिए, हम फिर से क्वेश्चन 3 पे अपने पहुंच रहे हैं. ये है हमारा क्वेश्चन 3. इसमें हमने बना रखा है कि 40 से 50 चार बच्चे थे, तो लेस देन 50 कितने हो गए, चार. तो लेस देन 60 कितने हो गए, तो लेस देन 60 तो टोटल ही हो गए ना 60 तक के, तो उसमें 40 से 50 वाले शामिल हैं. तो 9 ये थे और 4 वो, तो अब कुल 13 बच्चे हो जाएंगे. लेस देन 70 में क्या होगा, ये लेस देन 70 में लेस देन 60 भी आ जाएंगे, लेस देन 50 भी आ जाएंगे. तो 9 + 4 + 9 + 8, तो वो 13 जो आया था उसमें 8 जोड़ देंगे तो वो 21 हो जाएगा. तो देखिए 21 हो, वहां पे पहले 4 था, फिर 9 थे 50 और 60 के बीच, तो लेस देन 60 पे यहां तक उसमें हमने 9 और 4 जोड़े. लेस देन 70 में और आगे जोड़े. अब लेस देन 80 में 39, फिर 47 ये, और लास्ट में 55 तक पहुंच जाएंगे. अब ये 55 कैसे फिगर मिला होगा, फिर यहाँ पे देखिए, इन सब को आप ऐड करते जाइए. लेस देन 120 में सारे ऐड हो जाएंगे, लेस देन 120 में तो एक ये वाले भी सारे शामिल, सारे जोड़ दिया जाएगा, बस इनमें जोड़ते चले जाते हैं. लेस देन 60 में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेस देन 70 में ये 3 डेटा ऐड हो जाएगा, लेस देन 80 में 4 डेटा. तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं कि बहुत मुश्किल कुछ हो, बिल्कुल इजी वर्क है, बस आपको पढ़ लेना है एक बार. कौन गया यार, हाँ ये, तो ये हुआ आपका लेस देन. अब मोर देन, अब मोर देन 40, 40 से ज्यादा तो वो तो सारे ही होंगे, है ना. आप सोचिए कि आपके 55 तो कुल 120 से कम में सारे थे. अब यहां पे आ रहा मोर देन 40, अब 40 से ज्यादा कितने हैं, कई सारे ही बच्चे हैं 40 वाले. मोर देन 50 कैसे निकालेंगे, मोर देन 50 में जो 40 से 50 वाले हैं वो घटा देंगे, वो चार ही तो थे, ये दिया है, वो चार ही तो थे, तो आप उसमें से टोटल कितने हैं. देखिए 40 से ऊपर सारे ही हैं, 55 के 55 बच्चे, सबका वेट 40 से ऊपर, तो ग्रेटर देन 40 तो 4. अब ग्रेटर देन कोई 50 कितना होगा, तो 50 से 60, वो 40 से जो 50 वाले हैं 4 कम कर दीजिए तो वो 51 रह जाए. फिर उसमें से आप 55 कम कर देंगे, वो सॉरी, जब हम आएंगे ग्रेटर देन 40 हो गया, फिर ग्रेटर देन 50 पे आपके कितने हो जाएंगे, हम 4 सबसेट करेंगे. फिर ग्रेटर देन जब 60 आएंगे तो उसमें से हम 13 कम कर देंगे पिछले वाले. सोचिए कि मैं क्या बोलना, तो बस ऐसे आप डाटा बनाते रहेंगे. देखिए 4 कम हुआ था, 51 आ गया, अब वो 9 कम होगा इसमें से, टोटल 13 कम होंगे 55 में से.
तो बस ऐसे आप घटाते चले जाएंगे। सोचिए, क्योंकि हाँ टेबल जरा दूर है यहाँ, तो थोड़ा परेशानी हो रही है बार बार मुझे वहां जाने में, आप इसको बैठ के लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब आता है प्रिपेयर एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग लेस देन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन कन्वर्ट इट इनटू मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ब्लू 10 फ्रीक्वेंसी है, वो कितने लोगों की है, 17 है। ब्लू 20 डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन क्यूमुलेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ब्लू 30, ब्लू 30 हो सकता है ये एज हो कि 10 साल से कम के लोग 17 हैं, 20 साल से कम के 22 हैं, और 60 साल से कम के लोग तो सारे के सारे जितने भी रूम में मौजूद होंगे 60 के 60 हैं। अब ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, दोनों बनाएंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे पहले हम 0 से 10 के बीच में ढूंढेंगे, तो 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 17 हैं। 10 से 20 के बीच में कितना आएंगे, देखिए बिलो 20 22 लिखे, तो 10 से 20 में क्या आएगा, 22 माइनस 17 कर दीजिए 5 आएगा। 20 से 30 के बीच में आप 29 माइनस 22 कर दें तो वो 7 आएगा, समझ रहे हैं। ऐसे 30 से 40, 50 से 60 क्या आएगा, जो बिलो 60 हैं वो तो 60 हैं, और बिलो 50 जो हैं वो 50 हैं, तो 50 से 60 की रेंज में कितने लोग होंगे, आप तो लगाइए घटा दीजिए दोनों को, कहिए 10 लोग। अब आप मोर 0 एंड अबव तो सारे ही हो गए, सारे लोग। फिर 10 साल से ऊपर वाले कितने होंगे, कहिए बिलो 10 तो 17 थे, तो टोटल 60 में से हम 17 घटा दें। 20 एंड अबव कितने हो जाएंगे, कहिए हम 20 एंड अबव, अब 20 वाले तो 22 लोग थे ना, तो उससे हमें ऊपर, ये तो बिलो थे, हमें उसके ऊपर के चाहिए, तो घटा दीजिए 60 में से 30। सोचिए बैठ के, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, कोई खास नहीं है, सिंपल से सवाल है, अगर आ जाए तो भाई आपको लिख कर आना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, टेबुलेशन। कहता आफ्टर द डेटा हैज बीन कलेक्टेड, आपने डेटा तो जमा कर लिया, जैसे अपने क्लास का जमा कर लिया कि हम में से भाई कितने कितने मार्क्स आए या कितने कितने वेट्स हैं सबके। दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय द सिचुएशन इन अ फॉर्म इन विच दे आर इजीली एंड इफेक्टिवली बी एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड। अब इसको कुछ ऐसे करिए कि हम इजीली उसको एनालाइज कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें। कहता है अब 5 तरीके हो सकते हैं, देर आर 5 फॉर्म इन विच स्टैटिस्टिकल डेटा, जो आपने ऊपर निकाल रखा है, जो आपने अपने क्लासरूम में हर बच्चे से घूम घूम के लिया है उनके नंबर्स के बारे में, या उनके हाइट्स के या वेट्स के जो भी लिया है, कैसे लिख सकते हैं, टेक्सचरल या डिस्क्रिप्टिव, सेमी टेक्सचरल, टेबुलर, ड्राई, ये डायग्रामेटिक, ये अगले चैप्टर में आएगा, और ग्राफिक, ये भी अगले, बहुत लंबा है, पाई डायग्राम आपने कई बार देखे होंगे इंटरनेट पे भी बने हुए, ऐसे करके बनाते हैं फिर ऐसे लिख देते हैं ऐसे करके कि इतने परसेंट ये हुए, इतने परसेंट ये हुए, ये हुए, ये, और या इस प्रकार के डायग्राम बने हुए आपने देखे होंगे, ये भी अगले चैप्टर्स में आएंगे, ऐसे करके बहुत मजा आएगा जब आप पढ़ेंगे। अब देखिए फिलहाल अभी तो टेक्सचरल या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, वन ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डेटा इज टू यूज graphs of the text, used to use paragraph of the most official agencies use this method in the form of report. This is not very effective and impressive method of statistical representation. कहिए जब impressive है नहीं तो पढ़ क्यों रहे, अरे यार अगर आ जाए कि what is tabulation, मुझे ये शुरू के चैप्टर शायद मैंने लास्ट ईयर ये ज्यादा डिटेल में ना भी पढ़ाया होगा tabulation, लेकिन यह है कि अगर सिलेबस कम होता है तो बस लास्ट का कटेगा शुरू का रह जाएगा, तो फिर तो अब हर चीज वो इंपॉर्टेंट बन गई ना शुरू की। अब आ जाए बस उसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का, व्हाट इज टैबुलेशन, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि साहब उसमें एक टेक्सचरल भी होता है। अब ये 2-4 लाइन कहता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सम ऑफ द पाइन वन हैज टू गो थ्रू द एंटायर मेथड, ऑन द अदर हैंड दिस टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन हैज ए अपील टू द पीपल हु आर एजुकेटेड एंड लाइक द न्यूमेरिकल फिगर, और जिन्हें न्यूमेरिकल फिगर पढ़ने में परेशानी नहीं है, एजुकेटेड है, और उनको पास एक्सप्लेनेशन भी होगा उन बातों का, या वो समझ सकते हैं, तो इसलिए तो क्या रहा है कि ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। खैर फिर भी सेमी टेक्सचरल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्सचुअल एंड द टेबुलर फॉर्म, दिस मेथड दो जनरली नॉट यूज इन द प्रैक्टिकल वर्क, यूजफुल व्हेन द फ्यू फिगर आर बी प्रेजेंटेड विद सम इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन। देखो जी यूज में नहीं आ रहा तब भी आप पढ़ नहीं, सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि अगर डिफाइन करने को आएगा तो डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आपका आया टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय मींस ऑफ टेबल इज परफॉर्म्ड बाय द स्टैटिस्टिशियंस सो दैट डेटा मे बी अरेंज्ड इन द कंसाइज फॉर्म, मतलब ऐसा फॉर्म बन जाए जिसको आप समझ सकते हैं।
खैर अब ये जो भी है बस इसको आप एक बार रीडिंग मान लेंगे, कुछ खास काम नहीं। फिर एडवांटेज ऑफ द टेबुलेशन, द एडवांटेज मे बी रिप्रेजेंट इन फॉलोइंग, कैसे कैसे डेटा आर वेल अरेंज्ड एंड वेल presented, it does not call for any repetition of explanatory material, it enables comparison to be easily made. दो कंपनियों का comparison कर रहे हैं तो easily हो जाएगा दोनों के data निकाल के। Error and omission if any may be readily detected, अगर गलती है तो उसको आप पकड़ पाएं easily. Complex mass of data may be presented in the concise form, or it can be understood and easy to remember. Easily आप इसको याद कर सकते हैं। Okay, तो और 6 क्या है? It can be understood and easy to remember. Concise का मतलब संक्षिप्त, बिल्कुल बढ़िया से फॉर्म में लिखा। फिर आइडियल टेबल क्या होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज टेबुलेशन, आप ये लिखेंगे एंड कॉमा लगा के कहेगा एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन एंड आइडिया दीजिए आइडियल टेबल के बारे में। An ideal table consists of the following part. Table का name होना चाहिए ऊपर, फिर title, वैसे भी आपको ये तो आना चाहिए यार, जब कोई चीज बनाते हैं तो सबसे ऊपर आप name देंगे, title देंगे, column heading देंगे, caption, हमेशा ही हम करते आए हैं, बस आज पढ़ना है इसको। Row heading को stub कहते हैं, याद रखिएगा। Body of the table और footnote और source of the data, देखिए यार ऊपर आप स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। इस नाम से भी पूछ सकता है कि टेबल का नाम ना आप यहाँ पे दे देंगे फटाफट, टेबल और ये टेबल वन टेबल टू, फिर नीचे टाइटल स्टफ रो हेडिंग। कैप्शंस क्या होंगे यहाँ पे, ये जो कॉलम बनाते हैं हम हमेशा, अरे जैसे हम बना ही रहे थे यार न्यूमेरिकल में भी बनाते थे, इधर एक्स लिखते थे फिर एफेक्ट लिखते थे फिर डेल्टा एफेक्ट लिखते थे, तो बस अब उनके नाम दे दें तो कैसे ऐसे नजर आएगा। और नीचे टोटल लिख दें, एक फुट नोट लिख दें, सोर्स लिख दें कि ये डेटा आई हैव टेकन दिस डेटा फ्रॉम दैट सोर्स, या यहाँ से वहाँ कहीं से भी दिया है, और यहाँ पे फुट नोट एक आप लिख देंगे, कहता है ऊपर के एक एक चीज को डिस्क्राइब कर दिया है कि टेबल नंबर के ऊपर मैंने कहा ना टेबल शुड बी गिवन, क्या ए नंबर शुड ऑलवेज बी गिवन टू द टेबल फॉर इजी रेफरेंस एंड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, शुड बी रिटन इन द सेंटर ऑफ द टेबल, ये ऊपर यहाँ पर। उसके बाद टाइटल, द टाइटल गिविंग ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट शुड ऑलवेज accompany a table, it should be very clear and representative to the contents of the table. ऐसा नाम होना चाहिए, पता चल जाए कि इस टेबल में क्या होगा इसके बारे में। Caption, the upper part of the table which gives a description of the various column is called the caption or column heading of the table. देखो जी column heading तो सभी को पता है, लेकिन this is also known as captions, याद रखिए। The unit of measure of the data should also be given for each column. फिर stub, the extreme left part of the table which is responsible to give a description of the row is called the stub of the table. This is the stubs. Body, it is the principal part of the table where the numerical information is exhibited. ये बीच में आप यहाँ पे सारा डेटा भरते हैं। फिर footnotes, some statement regarding to the table or some additional explanation are given to understand the table. Source of the data, it is given at the bottom of the table where the source of the data are indicated. It indicates the, मैंने कहा मैं कहीं से भी जहाँ से भी लिया हो, किसी किताब से, किसी इंटरनेट की वेबसाइट से, गवर्नमेंट के सोर्स से, तो नीचे लिख देते हैं कि भाई ये इस सोर्स से लिया गया, ये उस बुक से लिया गया, ये वो पब्लिशर थे वहाँ से हमने पकड़ा है, तो ऐसे लिख देते। Certain points should be remembered in drawing the table. First, the table should be well balanced in the length and breadth. In case the table become very large or small, it will be difficult to understand. In such a case, two or more table should be prepared. बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। Secondly, as in textual presentation, the arrangement of item should be follow a logical sequence. Third, for a comparison purpose, figure should be placed close to each other as much as possible. बढ़िया बढ़िया साफ साफ लिखेंगे और should be follow a logical sequence होने चाहिए एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए। जो भी है इसको आप पढ़िए, असल में मैंने कल भी कहा था कि ये इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाया जाता है, ये कॉमर्स में भी होता है, ये MBA में भी होता है, ये MCA में भी होता है, MBA जहाँ पे कोई साइंस स्ट्रीम से मतलब नहीं, तो आप वहाँ भाई अब जब बच्चा BA करता है आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ता है तो ऐसी चीजें उसमें रट्टे मारी जाती हैं। अब हमें कहाँ ऐसी आदत होती है, हम तो एक फार्मूला ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद उस पर देख बनाना फार्मूला शुरू कर देंगे, अरे फार्मूला नहीं है, टेबल की कहानी गाएंगे। खैर जैसा भी है अब थोड़ा सा पढ़िए, और अब आप वैसे भी BSc करके पता ना क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, कोई MBA करेगा कोई MCA करेगा, तो नए तरीके की पढ़ाइयाँ पढ़नी होगी, तो आदत डालिए। नाउ हियर कम्स द टाइप्स ऑफ टेबल।
ये ज्यादा दूर ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस कहेंगे टेबल में भी क्लासिफाइड एक या तो सिंपल होती है या कॉम्प्लेक्स होती है, और ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन इट। बस जैसे भी इंफॉर्मेशन होगी उस हिसाब से बनाएंगे। सिंपल टेबल इज वन व्हिच कंटेन द डेटा ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक ओनली, बहुत आसानी से एक डेटा होता है। इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड सिंपल टू फॉलो, इट इज कॉल्ड द टेबल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इफ वन कैरेक्टर इन द स्टब, स्टब मतलब रोज में लेफ्ट में होगा एंड वन इज द कैप्शन। अभी यही तो ना, किसी ने स्टब और कैप्शन नहीं पढ़ा होता वो क्या समझेगा यहाँ पे क्या लिखा है, और है कुछ भी नहीं। नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, 10 से 20 साल, ये गलत लिखा है। इंडियन लॉ के हिसाब से आप 10 साल के बच्चों को कैसे काम करा सकते हैं। चलिए खैर, अब जो भी लिखा हुआ है 10 से 20 ये सिंपल टेबल है, बस इधर एज लिखी है, इधर नंबर ऑफ वर्कर लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये कहिए दीज आर द स्टब्स इधर जो है, और ऊपर जो है कहिए दीज आर द कैप्शन। अब मैं इस माउस से लिखना मुश्किल काम है, मैं लिख देता हूं वरना स्टब। खैर ये फिर कॉम्प्लेक्स टेबल, अब वो तो कॉम्प्लेक्स ही होगी। टेबल विच कंटेन्स द डेटा रिलेटिंग टू मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टेबल, दैट इज यहाँ कॉम्प्लेक्स टेबल। अब डबल और ट्रिपल वे होगा, या टेबल में थ्री वे टेबल होगी, या मैनिफोल्ड उससे भी ज्यादा होगा। डबल ट्रिपल या मैनिफोल्ड टेबल इज बेस्ड ऑन द सब डिविजन ऑफ द स्टब एंड कैप्शन इन टू द coordinate and the subcoordinate part. Double table are formed when either the stub or the caption is divided into the two coordinate part. So these are table of the second order. जैसे ये लिखा हुआ है। Worker, अब worker ये है क्या, वो male है या female है? ऊपर आपने worker बोला, ये तो बताया ही नहीं कि male है कि female है, आप बता दें तो ये twofold हो गया। यार total तो भरी देंगे। This table are formed making the provision of the three categories. अब देखिए, अब आपने कहा अब इसमें और थोड़ा मुश्किल कर लीजिए। रूरल एंड अर्बन वर्कर ऑफ फैक्ट्री इन डिफरेंट एज शो अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स। अब एज ग्रुप आ गया रूरल और अर्बन, ये तो मेल और फीमेल हो गए, लेकिन उसके साथ साथ मेल उसमें कितने शहर से आते हैं और कितने ग्रामीण जगहों से आते हैं, रूरल और अर्बन, ये भी रूरल अर्बन, तो ये थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड। Many fold tablets are formed by making the provision of number of category. For example, according to their अब religion भी आ जाए, age group भी आ जाए, sex भी आ जाए, place of living भी आ जाए। इसमें अभी rural कर दें, urban कर दें, rural में भी दो बनाइए साहब, उसमें इनका religion कौन सा है ना, तो और बन जाएगी ये, और एक fold बढ़ जाएगा इसके अंदर, तो ये बस tables के प्रकार बढ़ते चले जाएंगे। कहता prepare a blank table showing the distribution, just a minute। हाँ, prepare a blank table showing the distribution of the student of each college according to their age, sex, class, residence। तो अब आप सोचिए ना कि बी ए क्लास एज ग्रुप, अब यार पता नहीं कौन सी दुनिया के लेगा, बी ए 15 साल का बच्चा बी ए में कहाँ से पहुंच जाएगा, ये बनाने वाले भी बेवकूफ। 12 क्लास पास करते करते तो बच्चा, अब चलिए खैर पहुंच गए इनके। खैर अब उसमें मेल अब लिखेंगे अकॉर्डिंग, देखिए स्टूडेंट हो गया अकॉर्डिंग टू सेक्स, मेल और फीमेल आपने चेंज किया, अब मेल को भी रूरल अर्बन और टोटल नंबर, और ये ऐसे बीएससी के और ऐसे बीकॉम के बच्चों का आपने टेबल बना दें, बहुत बढ़िया लिया है। क्वेश्चन ये आ जाए तो एग्जाम में आप इसको फटाफट बना के आएंगे। इन ए सैंपल सर्वे अबाउट द कॉफी हैबिट्स इन द टू सिटीज फॉलोइंग दैट आर ऑब्जर्व। अब मेल जो है वो 50% है और सिटी वाई में 45% है कॉफी ड्रिंकर्स, 30% 25% मेल कॉफी ड्रिंकर्स, 18% और 16%। ठीक है, टैबलेट द गिवन ऑब्जर्वेशन, कॉफी ड्रिंकर 18 और 16, नॉन कॉफी के बारे में कुछ नहीं लिखा, टोटल ये कॉफी फीमेल में तो उन्होंने तो लिखा ही नहीं है, फीमेल का खाली है, फिर कॉफी ड्रिंकर 30 और 25, टोटल 100। तो क्या करूं, ये कुछ सवाल है, कुछ सवाल थोड़ी ना था, लिख के दिखाना है, ये हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं है, ये हम तो इसमें पूछता मीन मीडियन मोड वो भी कुछ खास नहीं होते, उसके आगे की पढ़ाई पढ़नी, मगर क्या करें सिलेबस में ये दिया है तो ये पढ़ना पढ़ना है, क्या क्या बवाल बवाल लिखा हुआ है। जनाब ये ऑब्जर्वेशन है, ये मेल्स का ये, और ये कॉफी ड्रिंकर्स इतने हैं, मेल कॉफी ड्रिंकर्स इतने, वही भर दें 100 को अज्यूम करा क्योंकि परसेंटेज में दिया है। तो ये अब डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड द टेबुलेशन, दोनों मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ क्लासिफिकेशन टेबुलेशन इज टू प्रेजेंट द कलेक्टेड डेटा इन ए समराइज्ड एंड द कॉम्पैक्ट वे। देयर आर द फॉलोइंग डिफरेंस,
different sequence from the view of the sequence in a statistical inquiry. Classification is done first and tabulation later. Classification forms the basis for tabulation. Difference in presentation. अरे यार अब इसमें क्या हो तो दिखता ही है. Classification in class data are classified into different class according to their similarities and dissimilarities, while in the tabulation data are placed in the column and rows. Thus tabulation is a mechanical function of it. A difference in method. In method is statistical analysis है, while इसमें method of presentation of data. अरे पढ़ डालो यार बस यहाँ तक 5 मिनट. अब एक्सरसाइज शुरू होती है. मैं इसमें चाहता हूँ आप खुद करेंगे एक्सरसाइज. आप आज ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करिए, वरना मुझे ये अब ये बोर्ड पे सॉल्व करने पड़ेंगे. ये ऐसे तो हो नहीं सकते. ज़्यादा नहीं करने हैं बस. देखिए शुरू का ये जो है ये सब आता है. आप जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो इसमें क्या रह गए. लेकिन आप इसको ये पढ़ेंगे कि ये क्या क्या है, कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड द टेबुलेशन. अरे पूरा चैप्टर पढ़ के एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी. और ये तो आपके डिस्क्रिप्टिव है, ये तो आपको सारे देखने पड़ेंगे कि क्या हो रहा है, कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द क्लासिफिकेशन. और ये एक ही बात को डिफरेंस पूछ लिया या फिर पूछ लिया, यही बस पढ़िए. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन होना चाहिए था. चलिए नहीं भी है तो होगा कहीं ना कहीं. आप सब देखिए इसमें, इनको तो आपको यहाँ तक करना ही है. यहाँ तक तो 10 क्वेश्चन. अब उसके बाद ये मेरे कराने का काम है. फिर भी आप ये अगर कर सके 2 क्वेश्चन तो करिएगा, वरना मैं आपको ये सारे कराई दूंगा 16 तक जितने भी. हाँ बस 16 ही है, फिर तो शॉर्ट टाइप है. डिफाइन करना ये कोई मेरे लिए कुछ नहीं रह गया, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा लिया. आप ये 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करें. पहले आप पूरा चैप्टर सही से तैयार करिए, उसके बाद पढ़िएगा. देखिए मैं वही बात कि मैं तो करा ही दूंगा और आप उसे उतार लेंगे, तो उससे आपको क्या मिला. इसलिए आप थोड़े अपने दिमाग को जोर लगाइए. जो चीज अपने से क्रिएट होती है वही अपनी होती है ना. चलिए है पढ़ के देखिएगा, नहीं तो मैं कराता हूँ. ओके.